94.3 माई फिल्म से मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और यहाँ पर एक मुहिम चल रही है हमारे और आपके बीच में, जहाँ पर पूरा भारत देश 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में सेलिब्रेट करने वाला है हर घर तिरंगा। और अभी मैं यहाँ पर हूँ देवी अहिल्याबाई कैंसर हॉस्पिटल में, एंड मेरे साथ में है मैम मिसेस शर्मा मैम मेरे साथ में है। और जैसे मैंने उन्हें बताया कि मैम इस मुहिम के लिए माई फिल्म टीम यहाँ पर आने वाली है, तो मैम ने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, और मिलकर पूरी टीम इस जज्बे को देश के लिए जब भी बात होती है तो हम सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैम इस मुहिम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, और हमने भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी कि हर घर तिरंगा हो, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि, और हमारे प्राइम मिनिस्टर सीएम सभी लोग ये चाह रहे हैं, और आज कलेक्टर साहब ने हमें भी काफ़ी सारे झंडे दिए हैं कि आप सब इसको चलाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं जी बिल्कुल। और ये कोशिश इतनी खूबसूरत है कि इसकी सारी झलक आपको देखने को मिलेगी मेरे फेसबुक पेज पर, जो कि आपको मिलेगा माय आर्ज अंजलि के नाम से। सर भी हमारे साथ में, सर इतनी खूबसूरत मुहिम है, मतलब ये तीन रंग जब भी हम सभी को दिखते हैं तो एक देशभक्ति की भावना, एक हर कहीं एक हमारे मन में एक इमोशंस, एक अलग सी रूह हमारी ऊपर हो जाती है हमारे देश के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज़ादी का महोत्सव तो हम हर साल मनाते हैं, चूँकि देश आज़ाद हुए को 75 साल हो रहे हैं, और हमारे भारत देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस समय मैं अपने देवलिया हॉस्पिटल के परिवार को, सभी देशवासियों को इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को सफल बनाने की मैं गुजारिश करता हूं कि सब मिलकर से हम 15 अगस्त को 75 साल पूर्ण कर रहे हैं, और हम इस देश के अंदर हमारे जितने भी जिन्होंने बलिदान दिया है, हम सबको सभी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपनी अपना जीवन दान देके शहीद होकर उस देश को आजाद किया है। बिल्कुल, हम सभी मिलके कहेंगे भारत माता की जय।